ये तरह के बाप को थोड़ी तो बोले इतना बोले जा है कौन जाते रहो थोड़ा सा सिर फोड़ दूंगा। तो मैंने बोले अंदर आ जा, अंदर आते से बात कर सियाँ। तो मेरा दोनों तीनों जना पिलमता धक्का मारता मैंने बाहर न लिया। तीनों जना मेरा बाल पकड़ के खींचा, मेरा सुना में डुक्का मारे। माँ बाप की रक्षा करी जाए भाई, नहीं हुआ कुछ हुआ तो प्रशासन बयां कर दे तो मैं ये गांव छोड़ के चल जाऊं। और के करा सगले दर्शकान, राम राम, स्वागत है थारो जलको झुंझुनू का। मेरो नाम है आदर्श और मेरे साथ है कैमरामैन अरविंद। आज मैं पूछ रहा झुंझुनू शहर को बीडी के हॉस्पिटल है बड़े अड्याण का। पीछे कारण यो है कि अभी दो दिन पहले बुडाना गांव के अंदर एक मारपीट की घटना हुई। मारपीट की घटना बुजुर्ग दंपति का सागा हुई और वो जो पूरा विवाद हो वो एक जमीनी विवाद हो, पारिवारिक विवाद हो, तो भी विवाद के बारे में आप जानकारी ले सा और देख सा कि भी बुजुर्ग दंपति का कत्ती चोट आई और जो पूरा मामलो है भी की छानबीन कर सा कि असल में मामलो है कि हरसा का जो मारपीट हुई पूरी घटना क्या घटी तो भी के बारे में जानकारी दियो। जानकारी यह है कि मेरे पति खेत कमाई ने खेत में संभालने गया था पूरा देखने के लिए। पूरा देखने गया तो मेरे पति से बोले कि ये रास्ता से क्यों आयो है। कितने बजे की बात है? यह करीब 4-4:30 बजे की बात है, शाम का 4:30 बजे की बात है। तो बोले है ना कि मेरे पति बोले कि ये तरह के बाप को थोड़ी तो बोले इतना बोले जा है कौन जाते रहो थोड़ा सा सिर फोड़ दूंगा। उनकी गल गल उनकी पत्नी भी बोली जा सकना जा सर तेरा सिर फोड़ के हाथ में दे देंगे। जना दोनों जना मिलके और बारन चालिया। यार पड़ोस वाली बोली अरे बाप को ये जमीन तोड़ी रह जाएगी क्यों मरो खपो हो। बाद में कया जाया करके घर आया। मैं घर पर चाय वाय बना के पिलाई। फिर बोले देख आज आया बोले मैं के बोलो कि अन्न के नाम से आते रहो सिर फोड़ दूंगा। हालांकि बन की जमीन में मेपक भी कौन धरा हाँ कोई हुआ भी कौन ही है और ये लोग जबरदस्ती मारे पर हंगामों करने के लिए खड़ा तैयार रहा है। फिर बाद में वह लोग मैंने मेरे पति आके बताई सारी बातें। तो मैं वन ने के नाम से दूध लेने के लिए जा रही थी तो वन से पूछो कि भाई के बात है। पूछने गई तो मैंने बोले अंदर आ जा, अंदर आते से बात कर सियाँ। तो मेरा दोनों तीनों जना पिलमता धक्का मारता मैंने बाहर न ले आया। बाहर न ले आके मेरे साथ में फिर ना मारपीट करी। इतने देर में मेरा आदमी आ गयो, बनने भी खूब मारे है। तीन जना तो मेरे पति ने मारे ही, तीनों जना मेरा बाल पकड़ के खींचा, मेरा सुना में डुक्का मारे। कत्ता जना कुल मारपीट करी जगह? कुल में आठ जना था और सब जना है ना मेरा मारी। आज मैं 4 दिन दर्द से मारे परेशान हो रही हूँ और मेरे न तो मैंने सोयो जा रहे हो न मेरे से खाए जा रहे हो और न मेरे से खानो पीनो बन रहे है। 3-4 दिन हो गया मैं बहुत परेशान हो रही दर्द का मारे। पहले भी कोई घटना हुई थरसा गए कि मारपीट की? घटना तो होती रहे, घटना तो 2018 से हो रही है। कदे कोई मारे कदे कोई मारे, मौका देखे हैं, गालियां बके हैं, अनशन बोले हैं और फिर बोलन जावा तो लड़ाई झगड़ा करे मारपीट करे। 3 बार तो मेरे पति ने मार चुके हैं, 4थी बार थी या। तो इनकी कार्रवाई सख्त करी जाएगी। अगर राजस्थान सरकार सब चीजों से मजबूत है तो यह सही को निर्णय पूरा करे। बाकन कोई हथियार आगे था हरसा को मारपीट करी? मेरे साथ में तो कोई हथियार कौन था, मैं तो दूध लेके लेने जा रही थी, खेत ली थी मेरे हाथ में और बाकन ने तो कुछ भी कौन थो। पहले तो मेरे मारो वीडियो बनाए दोनों को और जब वीडियो के चीज को बनाया वीडियो मैं उस साथ में बात कर रही थी ना वीडियो जब तक बनाया जब तक लड़ाई मारपीट को नहीं करी जब तक। और फिर मारपीट करने लग गया ना जना अपना बड़ा भाई ने फोन कर दियो वो भी आ गो और तीनों जना मिलके माने दोनों 8 जना मिलके माने दोनों ने खूब मारे है और हमारी हालत खराब कर रखी है। कड़े चोट आई मेरे, एक तो कान फाड़ दियो है, कान को बालो भी गायब है और मेरा बाल पकड़ के खींचा ही सीना में डुक्का मारे जो आज मैं एक हाथ में है जब इतनी परेशान हो रही हूँ। ऑपरेशन का मशीन में ऑपरेशन करवा रही थी बटे ही मेरा डुक्का मारे ही और सांस लेना प्रॉब्लम हो रही है, परेशानी हो रही। मैं तो एक जिंदगी से खेल रही हूँ, आगे देखो हार्ट को वाल चेंज हो बैठे ही डुक्का मारे रहा है। पहले तो थारो परिचय दो। मेरा नाम संदीप शर्मा है और मैं गांव बुडाना का हूँ। पीड़ित का केला को जन का सागा मारपीट हुई बन का केला को? बन को लड़को हूँ मैं, 20 साल और बड़ो भाई मेरे एमपी में रहा, छोट को भाई मिलिट्री में। भाई जी पहले भी के है कि आप 2015 में एमपी छोड़ के आया जब 2000 मतलब आज से 30 साल पहले ये लोग जमीन दबा रखी है
और मैं लोग ने 2013 से हाथ जोड़ जोड़ के पहले विनती कर ली कि भाई जी जो थे सारी जमीन है पर नाप नूप के बराबर करो। पहले कोई जानकारी को नहीं है कि थारी जमीन दबा रखी है? ना ना साहब, पहले रहता ही को नहीं आपा उरे। और जानकारी कद हुई? जानकारी पापा 2013 में जब बड़ा भाई कन गया पहले, बोले भाजी जो जमीन दबा रखी सो दबा ली ये, बोले जो है मेरी सगी नाप दो तो मेरा पाँचों एक कानी होगा। बोले पाछे पापा 15 तक तो अन्ना आगा हाथ जोड़े अपने यही बोले, बोले तू एक काम को तेरी कोर्ट में नपा ले। तो पांचों जब भी पटवारी ने बुलाता तो पांचों में से कोई सा ही को नहीं आता खेत में कि भाई आपा नपा लिया बराबर कर लिया कोई सा भी, मतलब ये मैं राजी आता ही हो ही नहीं। और के नाम फिर 2017 में मैं जाके कोर्ट में आके केस लगा दिए। तो फिर जज के बाद में अन से कम भी 3 या 4 बार अन पर अटैक कर चुके हैं। विवाद के है जमीन को? के विवाद जमीन के है कि अपनी 17.5 बीघा हुआ है और आज की तारीख में मेरे पटवारी की रिपोर्ट पड़ी है और थे चाहो तो सरपंच से गांव से पूछा दूं चाहे आसपास के लोग। रिपोर्ट की कॉपी है ना थारगन? और ये है कि बस ये जब भी मैं लोग बाढ़ हूँ जब ये पापा पर अटैक करे, ये कोई तरीको थोड़ी है कि मतलब दो आदमी ने मिलके 8 आदमी मार रहे हैं। और पहले मेरा परसों जब विवाद हुए उनको तो पहले मार कूट के पहले जाके थाना में बैठ गई कि मन मारो। अब बताओ ये 2 आदमी 8 आदमी ने मिल के घर में घुस के मारेंगा कि थे बताओ, खुद ही बता दे बुजुर्ग सीनियर सिटीजन दोनों। वो जो विवाद थारो विवाद की कारण है जो जमीन है विमकत्ती जमीन पर आग लग दबा रखी है कि पूरा मामलो समझाओ। 3-3.5 बीघा जमीन आज अपनी दबा रखी है। अब दबा की न रखी है मानव भी नॉलेज को नहीं कि यार अठीन दबरी है वठीन दबरी है, भाया का आगे हाथ जोड़ लिया तावा का आगे हाथ जोड़ लिया कि भाई जो जमीन है बराबर कर लो। 2017 में जब ताऊ और तारबंदी करा लागा तो पापा यही बोलिया कि भाई देखो सा का रास्ता बांट लो, सा की जमीन बराबर कर लो, 6 रास्ता बांट लो, 6 जमीन बराबर कर लो। तो ना ना हमारी तो बराबर है तू तेरी नपा और ईब के है बनकर रस्तों होगो बंद। तो ईब कदे सरपंच कन भाग हैं कदे भी कन भाग हैं कि हमारी जमीन बराबर करा दो। रस्तों कटे गए? रस्तों के पहले तो अन का खेत के सामने रस्तों निकल रहे तो ये पूरा निकल जाता है बीमस है और अब रस्तों होगो बंद अनको। तो ये सब बंद गए ईब के वो अपने दादोजी हो रहा तो बन का चाचा हो रहा तो पहले कि आपको रस्तों बीचों बीच से काट दिया तो महाराज खेत का नहीं वो तारबंदी होगी तो अन को रस्तों होगो बंद। बन का सागा भी तारबंदी करी जाना घनी लड़ाई करी कि भाई ते रस्तों बंद क्यों करो हो आया क्यों करो हो क्योंकि अन्न दिक्कत हो रही कि बेरो ईब अपन रस्तों कठे मिला गो। तो बन सा भी कई बार लड़ाई करी है इस विषय में कि तारबंदी मत करो अठीने। ये मामले बाद में थे आगे जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो आगे प्रशासन ने शिकायत करी गई एसपी ऑफिस में ज्ञापन देना है को कुछ बहुत करी साहब बहुत करी सर अभी कोई कार्रवाई कोई नहीं ना कोई नहीं। ये देखो ये लेटर है 2019 को लेटर है आज 21 साल रही 2 साल में 3 बार अटैक कर चुके हैं जबकि इसमें साफ थे पढ़ के देख लियो कि मेरे पापा पर 3-4 बार अटैक कर चुके हैं। तो अभी पूरा मामला में थारी के मांग है पुलिस प्रशासन और सरकार साहब अगर ये एक तो यही है कि बस माँ बाप की रक्षा करी जाए भाई नहीं हुआ कुछ हुआ तो प्रशासन बयां कर दे तो मैं ये गांव छोड़ के चल जाऊँ और के करा। नमस्कार विद्याधर जी। नमस्ते। आदर्श बात कर रहे हूँ जलको झुंझुनू। हमारे गांव में भी एक मारपीट की घटना है सलोचना जी के परिवार के साथ। अच्छा जी के बारे में जानकारी चाहिए बतायो ये मामलो है क्या जानकारी चाहिए बताओ ये मामलो है पूरा मामलो बताओ। मैंने 29 दिन लड़े हुए आपसे थे परिवार ने आपस में समझाने के लिए कुछ करोगे? बहुत समझाने के लिए 12 महीना हो गया समझाने का प्रयास। गलती की है मेरे भाव तो दोनों साइड में ही गलती है। क्या है बताओ? मैं समझाने की कोशिश में खूब आन की जमीन को विवाद है रियल तो। हाँ वो तो पता है जमीनी विवाद है। सुनो आप हाँ की आपस में खातेदारी विभाजन हो रही है सबकी तो हाँ। और साफ की जमीन है उस जमीन में 5 खातेदार हैं तो कदे तो ये रस्ते पर लड़ पड़े कदे क्या पर लड़ पड़े कदे कुवाड़ा कसी लेके चाल पड़े। अन्ने समझाने में कोशिश कौन छोड़ी अन्ने कहा कि भाई पटवारी ने लिया दिया गिरदाव ने लिया दिया थारी नपवा दिया सीर को रस्तों काट लियो और सीर की थारी बांट लियो बाकी जमीन आओ बहन की नाका नाके जवाबंदी नाका नाके गिरदावड़ी है सब काम को। तो वो खेड़ो है की वो जो रस्तों है नबी पर कब्जो कर रखे सामलो पक्ष और बाद में आड़ो जो खेत है भी कंदरु रस्तों काट रहे हैं पर लड़ाई चल रही है। क्या कौन काट रहे हैं रस्तों तो मैं मेरे कहने को मतलब को समझे आप मैं क्या कह रहे हूँ उन्होंने समझाइश करी है कि भाई पूरी जमीन में से तारा सीर का रास्ता काट लो पांचवा के सीर को रस्तों कट जाओ।
खरबा की पांच हिस्सा कर लो तारा पांच भाई है, दो भाई रस्ते पर आगे आ गया, पिछला तीन भाई इकट्ठा कर जाऊंगा जाऊंगा तो फिर जमीन में कहीं नहीं। मैं तो साहब ने कह दी अब भी अगर ये समझौतो करे उरे बैठ के ने तो अब भी नहीं तो लोग तैयार है गाँव का और केस मुकदमा करे अगला ये जाना है आपको उनको काम जाने के भी समझौते के लिए तो तैयार है आधी रात के लिए। अरमन ने समझाया पारिवारिक मामला है सगले परिवार ने बैठा के मैं बीच खेत आ जाऊंगा बोले सारे लेके समझ लो और बोल बतला के कोई सेकंड कमती ज्यादा जमीन है तो सारो फैसलो कर लो रास्ता चीर का काट लो। इसमें क्या गलत कह दिया मैंने इनको। और जो परिवार है जी के साथ मारपीट हुई बाहू बातचीत करी आप और पूरी जानकारी थान दे दी वाको कहना है कि पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई कौन कर रहे हो क्योंकि यह घटना पहली बार को नहीं हुई हूँ पहली भी यह घटना काफी बार ये परिवार का सागा हो चुकी है। दोनों बुजुर्ग दंपति का सागा मारपीट की घटना दो तीन बार पहली भी हो चुकी है लेकिन इनका तो बहुत ही ज्यादा भयंकर चोट आई है क्योंकि कान है वो पूरा पाट रहे जो की थे वीडियो के अंदर देखे होगो। थारी राय पुलिस प्रशासन ने के करनो चाहे पूरा मामला नीचे कमेंट करके जरूर बताओ। जलको झुंझुनू देखता रहो चैनल ने सब्सक्राइब करो थारों को वीडियो नहीं छूटे इसलिए कंजो बेल आइकन है बिन भी जरूर दबाओ। जय हिंद जय झुंझुनू।